गुण अनंत ज्ञायक विमल परम ज्योति भगवान परम पुरुष परमात्मा शोभित केवल ज्ञान। ज्ञान दर्पण में हमारा आठवें नंबर के छंद का स्वाध्याय हो गया था, जिसमें भवसिंधु पार जाकर के शिव द्वीप को लखने की बात बताई थी कि जिसको अपने आत्मस्वरूप की यथार्थ रुचि लग गई वह जीव अपना पुरुषार्थ अप्रतिहत रखता है। अप्रतिहत मतलब बिना गिरे, निरंतर बढ़ता हुआ। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि भाई रुक रुक के चले, बीच में रुचि को छोड़ दे और पुनः विषयों के या पर पदार्थों की आसक्ति में फंस जाए, और दूसरा होता है कि जो एक बार शुद्धात्मा की रुचि लगी, लगन लगी, उसकी मतलब खुमारी कहो या उसके प्रति आसक्ति जगी, तो उसी का वाही को विचार वाको ध्यान यह कौतूहल भरी जन्म परम रस पीजिए, अर्थात उसी का विचार उसी का कौतूहल होकर के जो उसमें प्रवृत्ति अप्रतिहत बिना गिरे होती है वह नियम से संपूर्णता लिए हुए मोक्ष मार्ग में ही पहुँचती है। उस अप्रतिहत रुचि वाले ज्ञानी जीव की स्वपर विवेक कला प्रकट होने पर वह अचल अखंड अविनाशी इसको सुख राशि को ही उपादेय मानता हुआ भव सिंधु पार शिव द्वीप को पाता है। इस तरह का कल का स्वरूप हमने समझा था। अब यहाँ पर नौवें नंबर के छंद में कह रहे हैं कि अमर बनने की विधि क्या है। भाई सभी जीव मरना नहीं चाहते हैं, सभी को अपना जीवत्व शक्ति के कारण निरंतर जीना चाहता है। अजड़त्व आत्मिका इति जीवत्व शक्ति, अर्थात जो जड़ रूप नहीं होता आत्मस्वरूपी रहना और जीना जिसका स्वभाव है, इस तरह से सदा जीने की इच्छा जिसमें है, वीर्य गुण के कारण और जीवत्व शक्ति के कारण जीव जीव रूप से जीना चाहता है, तो उसकी अमर होने की विधि साक्षात पर्याय में तो कह रहे हैं कि कोई भी पर्याय अमरत्व को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि पर्याय का स्वरूप ही क्षणवर्ती है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, तो वह उत्पाद और व्यय पर्याय के लिए और ध्रुव्यपना वह द्रव्य स्वभाव के लिए है, इसलिए वह पर्याय के आश्रय से अमरत्व नहीं होता। द्रव्य स्वभाव का आश्रय करते हैं तो निरंतर नवीन नवीन होने वाली पर्याय वह द्रव्य स्वभाव के अहम को उसके असर को अपने में धारण करते हुए अमरत्व को प्राप्त होती है। जिस प्रकार सिद्ध भगवंतों की पर्याय है वह अमर है, सिद्ध भगवंतों की पर्याय अमर है। देवों को अमर कह देते, भक्त अमर नित नत, भक्त अमर नत मुकुट सुमणियों की सुप्रभा का जो भासक, भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभा नाम। तो अमर शब्द जो है ना देवों के लिए है, अमर अर्थात भक्त देवों के द्वारा नमन करने के कारण उनके मुकुटों की मणियों की चमक जिनके चरणों पे गिर रही है और वो उनके चरण चमकदार हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तुति। भक्तामर, पहला शब्द भक्त और अमर, अमर मतलब देव। क्यों कहते देवों को अमर? इसलिए कहते कि उनकी आयु बहुत लंबी होती है, मनुष्यों के मुकाबले तिरंचों के मुकाबले उनकी आयु लंबी होती है, नारकियों के मुकाबले नहीं कर सकते, क्योंकि 33 सागर नरक में भी मिलती है, 33 सागर स्वर्ग में भी मिलती है, देवों में भी मिलती है। इसलिए उन देवों और नारकियों को अमर कहें तो बात समझ में आए, क्योंकि लंबी आयु है और मनुष्य और तिरंच की आयु तो बहुत अल्प है, 1 करोड़ पूर्व भी कुछ नहीं है उसके सामने, क्योंकि असंख्यात पूर्वों को मिलाने के बाद में पल्य का जन्म होता है, इसलिए वह पल्य पूर्वों से पल्य में जाने में असंख्यात वर्ष का गुना करना पड़ता है। असंख्यात मतलब श्रुत ज्ञान गोचर नहीं है ऐसी राशि, इसलिए वह देवों को अमर कहते हैं उनकी आयु की लंबी की अपेक्षा। लेकिन वो भी आयु अंतते वेहु मरे हैं, आयु के अंत में उनको भी मरना होता है और वे पुनः पुनः गति भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए सिद्धावस्था को ही वास्तव में अमर शब्द लागू होता है, क्योंकि सिद्ध भगवान कभी संसार में नहीं आएंगे। देखो 9 नंबर का छंद, चेतन को अंक एक सदा निकलंक महा
करम कलंक जामे को नहीं पाइये, निराकार रूप जो अनूप उपयोग जाके, गेय लखे गेयाकार न्यारो हु बताइए। वीरज अनंत सदा सुख को समुद्र आप, परम अनंत तामे और गुण गाइए। ऐसो भगवान ज्ञानवान लखे घट ही में, ऐसो भाव भाई दीपे अमर कहाइए। ऐसो भाव भाई दीप अमर कहाइए, ऐसा भाव भा करके हे दीपचंद तू अमर कहा जाएगा या अमर कहलाएगा, और अमर कहाइए अर्थात अमर कहलाइए। कौन से भाव से? जो ऊपर से पूरी बताई उस भाव से। देखो अर्थ, चैतन्य जिसका चिन्ह है, चेतन को अंक, अंक शब्द मतलब चिन्ह, सबके चिन्ह होते हैं ना, आत्मभूत चिन्ह होते हैं, अनात्मभूत चिन्ह होते हैं, चिन्ह के बिना वस्तु का प्रतिपादन संभव ही नहीं है। तो इसलिए बता रहा है कि भाई चैतन्य जिसका चिन्ह है ऐसा आत्मद्रव्य सदाकाल शुद्ध है, आत्मद्रव्य सदाकाल शुद्ध है, जिसमें कर्म रूपी मैल प्रवेश ही नहीं कर पाया है। अनादि से रहा निगोद में और इतने इतने काल में अनंत अनंत बार चारों गति में भ्रमण हो गया, लेकिन कह रहे हैं कि कर्म रूपी मैल इसके आत्म के स्वरूप में प्रविष्ट नहीं हो पाया। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव इसका कभी भी कर्म कलंक से नष्ट नहीं हो पाया, स्वभाव नष्ट नहीं हुआ, और पर्याय में निरंतर मलिनता हुई है, पर्याय में मैल ही मैल हो गया और स्वभाव निर्मल रहा, यह विशेषता रही। जब भाव कलंक की प्रचुरता वाली निगोद अवस्था हुई तो कह रहे हैं कि किंचित भी निर्मलता पर्याय में नहीं थी, लेकिन स्वभाव उस समय भी पूर्ण निर्मल था, क्योंकि वह तो स्वभाव का रूप ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है कि वह तीनों काल में सदा निर्मल ही रहता है। जो निगोद सो ही मुझमें और सो ही मोक्ष मंझार, निहचे भेद कछु नहीं दीखे भेद गिने व्यवहार। तो कह रहे हैं कि निगोद का और सिद्धों का स्वरूप एक सा है, कैसे? कह रहे हैं कि शुद्ध नय के अपेक्षा से या स्वभाव की मुख्यता से जब कथन करते हैं तो दोनों के स्वभाव में समानता है। ऐसा अनुपम आत्मद्रव्य जो समस्त गेयों को जानने वाला होने पर भी, समग्र गेयों को जानता है लेकिन गेयों में व्याप्त नहीं होता, इसलिए जानने वाला होने पर भी ज्ञान पर्याय गेयाकार परिणमित होते हुए भी ज्ञान भिन्न है, गेय भिन्न है, ऐसा अद्भुत आत्मद्रव्य है। आत्मा सब में फैल जाता है, किसकी अपेक्षा से? ज्ञान की अपेक्षा से, जानने की अपेक्षा से। जिस प्रकार रोशनी, एक बल्ब अगर कमरे में लगा तो वह रोशनी फैल गई पूरे कमरे में, परंतु वह फैलते हुए भी अपने बल्ब पर्यंत ही सीमित होती है, उसी प्रकार से आत्मा ज्ञान से लोकालोक में फैल गया है, परंतु वह लोकालोक में फैला हुआ होने पर भी स्वदेह परिमाण मात्र क्षेत्र में ही व्याप्त रहता है। जानने की अपेक्षा शक्ति ऐसी कि संपूर्ण लोकाकाश को, आलोकाकाश को अपने देह प्रमाण आत्म प्रदेशों में झलकाता है और जानता है, अत्यंत स्पष्टता से जानता है, जितना छद्मस्थ कभी जान ही नहीं सकता। पंचेंद्रिय के पूर्ण रूप से जानने वाली क्षमता तीन काल के गेयों को नहीं जान सकती ना, वर्तमान भूमिका अनुसार गेय को जानती है, लेकिन केवल ही भगवान जो जानते वह तीनों काल के गेयों को, गुणे अनंत पर्याय अनंत सकल के उसको जानने की क्षमता, वह अद्भुत केवल ज्ञान है, जिसकी कल्पना मात्र से ही एक रोमांच या आनंद आ जाता है कि यार ऐसा स्वभाव विचित्र, हम सब जानने के लिए तो पूरा जीवन अपना जा रहा है, लोग घूमन घुमंतु प्रवृत्ति के होते ना, घूमना घूमना घूमना, कभी यूरोप जा रहे कभी कहीं और जा रहे, क्यों? आँखों से जानना चाहते हैं मात्र,
अपने पांचों इंद्रियों में सबसे ज्यादा उपयोगी एकमात्र नेत्रेंद्रिय है। नेत्रेंद्रिय के माध्यम से हम जितना ज्ञान ग्रहण करते हैं उतना अन्य इंद्रियों से नहीं करते। स्पर्शनेन्द्रिय तो बहुत ही कम सीमित कोई जानती है, इसके साथ टच होने वाली चीज़ें आएंगी, क्योंकि नेत्र अकारक अवेदक है। नेत्र किसी को छुए बिना सब कुछ जान सकता है, और चारों इंद्रियों को छू करके जानना पड़ेगा। तो मजबूरी है कि वह सुगंध दुर्गंध जब तक नाक को टच नहीं करेगी, या हवा है या कोई और दूसरा गेय जब तक स्किन को त्वचा को टच नहीं करेगा तब तक स्पर्शनेन्द्रिय नहीं जानेगी। कान में शब्द जब तक आकर के टकराएंगे नहीं तब तक कान नहीं समझ इंद्रियों से जानेगा नहीं। और रसनेन्द्रिय में तो साक्षात पराधीनता है, जब तक उसमें अंदर वो भी उसमें भी रसनेन्द्रिय के अलग अलग कंपार्टमेंट है। मीठा खाना है तो उसका क्षेत्र अलग है, कड़वे का जानने का क्षेत्र अलग है, और खट्टे का और नमकीन का जानने का जीभ में भी ऐसे हिस्से हैं अलग अलग, सबके पॉइंट अलग अलग है, स्वाद ग्रंथियां रंध्र अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब ये कि इतनी इतनी चारों इंद्रियों की पराधीनता में नेत्रेंद्रिय की एक उपयोगिता इतनी जबरदस्त है कि वह अकारक और अवेदक अर्थात अग्नि को जानता हुआ नेत्र को अग्नि को छूने की जरूरत नहीं है। अग्नि की गर्मी जानने के लिए स्पर्शनेन्द्रिय उससे छुएगी, उसकी आँच आएगी, आँच आएगी मतलब अग्नि आई ना अपने स्किन पे, तो उसको हम जानने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दूर से उसके स्वरूप को वर्णादिक को देखने के लिए नेत्रेंद्रिय तो काम करेगा ही करेगा। तो नेत्रेंद्रिय के माध्यम से जीव का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ भेद विज्ञान का वो भी नेत्रेंद्रिय के आश्रित है। देशना लब्धि में सुनो कहा है ज्ञानी गुरु को, ताही सुनो भवि मन थिर आन, कह रहे वह सुनना देखने पूर्वक होता है। भाई अंधे व्यक्ति को सुनाना और साक्षात ज्ञानी गुरु की मुद्रा देख लेना, सुनना आंखों से भी होता है। ये जो जंगल में रहने वाले क्रूर शेर गाय भैंस होते ना, इनको मुनिराज प्रवचन नहीं देते, बिना प्रवचन दिए ही मुनिराज की शांत मुद्रा को देख करके सहज ही उनके तेही तितने शांत परमाणु उनमें जो हैं उसके निमित्त से वे क्रूर जिनका स्वभाव अत्यंत क्रूर है, सिंहादिक सैनी है क्रूर, अगर क्रूरता नहीं होगे तो मार ही नहीं सकते किसी जीव को, क्रूरता चाहिए तो ही मार सकते हैं। अपन जैनियों में क्रूरता होती नहीं है, इसलिए जैनी किसी भी प्रकार से किसी को मार नहीं सकता और सोचता है कि भाई अपना थोड़ा बहुत नुकसान होकर के भी छूट जाए तो ठीक है, हमें लेकिन किसी का नुकसान नहीं करना, ये जैनियों की वृत्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्रूर नहीं होते। हालांकि विरोधी हिंसा का निषेध नहीं है और अपनी भूमिका अनुसार जिसकी जैसी परिणति हो वो काम न्याय नीति से करते भी हैं, परंतु प्रायः क्रूर होता है वह, मारपीट करना निर्दयता से छेदन भेदन करने में मशगूल होता है और वो कर सकता है। इसलिए उदाहरण ही दे दिया मंगत राय जी ने, काल सिंह ने मृगचे तन को घेरा भववन में, नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। काल रूपी सिंह ने इस चैतन्य मृग को इस जगह घेरा भववन में, भववन में अर्थात भव रूपी जंगल में घेर लिया, तो कह रहे हैं कि सिंह की पकड़ ऐसी पकड़ होती है कि उसको कोई भी मुश्किल से ही निकल पाए या फिर निकल ही नहीं सकता। इसलिए काल सिंह ने पकड़ा तो मतलब इसको नियम से मरना सुनिश्चित है। किसमें? भोग भूमि में शेर, हाँ भोग भूमि के तो उधर के घास खाने वाले शेर है ना, शाकाहारी शेर है, वहां मांसाहारी शेर है ही नहीं। भोग भूमि में जो सिंहादिक पशु है या कुभोग भूमि में मनुष्य जो है उसमें शार्दुल मुख वाला भी होता होगा, दिए ना सबके एक मुख, दर्पण मुख, विद्युत मुख, तो शार्दुल मुख होगा तो वो तो मनुष्य है, कुमानुष है वो तो। और इधर भोग भूमि की जो तिरियन चौकी है उसमें वह क्रूर नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो वहाँ की मिट्टी और घास खा के रहने वाले होते हैं, इसलिए वहाँ की बात नहीं, यह मनुष्य कर्म भूमि की बात है कि क्रूर सिंह जो सातवें नरक जाने का पाप करता है, नियम होता है कि ये मांसाहारी जीव
अपने उस क्रूरता के कारण स्वभावगत क्रूरता होने से दूसरा कुछ खाना खा नहीं सकते और वे निबल पशुओं को मारते हैं पूरे जीवन भर, तो उसके कारण नियम से एकांत नरक गति में जाने योग्य पाप बनता है। क्रूर सिंह सातवें नरक पर्यंत जा सकते हैं, पहले नरक से सातवें नरक पर्यंत। भगवान महावीर का जीव त्रिपुष्ट नारायण के बाद में सातवें नरक में गया और सातवें नरक से निकल के क्रूर सिंह बना, फिर पहले नरक में गया और फिर से शेर बना, तब जा करके उसे सम्यक दर्शन हुआ। मतलब जो सम्यक दर्शन मिला ना, वो सातवें नरक से निकला हुआ जीव पुनः कोई तिर्यंच का क्रूर भाव धारण करके पहले से छठवें नरक पर्यंत जाता ही जाता है। सातवें नरक से आने के बाद में ऐसा नहीं कि अब मनुष्य बन गया तो अब चलो देव में चला जाएगा या पुनः मनुष्य से मनुष्य चला बन जाए, पुनः उसे एक बार नरक जाना ही जाना होगा, इतना क्रूर पर्याय जन्य संस्कार उसका बन जाता है। सातवें नरक के नार की निकल करके तिर्यंचादिक का क्रूर भाव, एकांत तिर्यंच का ही होता है, वो मनुष्य भी नहीं बन सकता है सातवें नरक से निकला हुआ, क्रूर तिर्यंच बन के पहले से छठवें नरक पर्यंत पुनः जाएगा और फिर बाद में वहां से छूटने की उसकी विधि बन सकती है। तो देखो इसमें बता रहे हैं कि भाई वास्तव में गेयाकार परिणमित होते हुए भी ज्ञान भिन्न है और गेय भिन्न है, ऐसा अद्भुत आत्मद्रव्य है। अनंत वीर्य, अनंत सुख, अनंत ज्ञानादि, अनंत परम पवित्र गुणों का समुद्र है। ऐसे भगवान स्वरूप आत्मद्रव्य को ज्ञानी जीव सदैव अपने हृदय में देखता हुआ अमरत्व को प्राप्त होता है। अमर होने की विधि कहाँ है? कह रहे हैं कि अपने में ही है, वर्तमान में है। हम अपने स्वभाव का भान कर ले तो हम अभी अमर है। जैसे करोड़पति रिक्शा वाले को उसका ज्ञान हुआ और उसने स्वीकार करके उसका भान किया तो वो करोड़पति उसी समय बन गया। ऐसा नहीं कि आज स्वीकार हुआ और 15 साल बाद या बाद में वो बनेगा। जहाँ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, अर्थात मैंने जहाँ जाना कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, यह छूटेगा, तो अपने आप ही शरीर से आंशिक निवृत्ति हुई और इसके कारण इसमें अपनापन छूट गया, तो यह शरीर के मरने से दुखी नहीं होगा और चैतन्य स्वभाव अमर है। अब हम अमर भय ना मरेंगे। तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, तन के कारण मिथ्यात्व था और उसमें अपनापन था, वो अब छोड़ दिया, तो अब तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये चार जो अनंत चतुष्टय हैं, ये वास्तव में हमारे लिए अनंत काल के लिए सुखी करने वाले हैं। इसलिए उन चारों को अपने गुणों को देखता हुआ ज्ञानी जीव अमरत्व को प्राप्त होता है। देखो अब छंद से देखते हैं। चेतन को अंक सदा निकलंक महा, चेतन को अंक एक सदा निकलंक महा। कह रहे हैं कि चेतन का चिन्ह क्या है, तो कह रहे हैं कि एक ही चिन्ह है। कौन सा? चेतन, चेतन रूपी चिन्ह है, चैतन्य, चैतन्य जिसका चिन्ह है, आत्मा के लिए चल रहा है ना, तो चैतन्य को अंक, चेतन को अंक मतलब चैतन्य जिसका चिन्ह है, ऐसा एक, कह रहे हैं कि अनेक नहीं है। स्वभाव हमेशा एक होता है, पर्याय हमेशा अनेक होती है, अनंत होती है। सदा कह रहे हैं कि स्वभाव सदा होता है और पर्याय क्षणभंगुर होती है। निकलंक महा कह रहे हैं कि कलंक जो होता है वो पर्याय में प्रविष्ट होता है, स्वभाव में नहीं। पर्याय का भी जैसे ही पर्याय बदली पूरा कलंक निकल जाता है। पर्याय को धोना सरल है क्योंकि उसकी स्थिति एक समय की है। जिस प्रकार कोई ये जो जीव होते हैं ना, बहुत से चेपे या छोटे छोटे कीट, इनकी आयु बहुत अल्प होती, पानी के अनछने पानी में रहने वाले जीवों की आयु बहुत अल्प होती है, तो इसलिए वे स्वयं मरण को प्राप्त होते रहते। उससे भी सबसे छोटा तो वो हो गया ना, निगोदिया, अंतर अंतर मुहूर्त में जिसका मरना सुनिश्चित है, एक श्वास में 8-10 बार ये उसका जघन्यतम परिणमन है और उत्कृष्टतम परिणमन रहेगा तो अंतर मुहूर्त तक की आयु रहेगी। तो वह जब इतने जल्दी जल्दी मरण को प्राप्त हो रहा है तो इसलिए उनके मरण के होने में कोई संशय नहीं होता कि भाई तुरंत ही मरने वाला है,
श्वास के 18वां भाग मतलब बहुत ही अल्प। तो इसलिए पर्याय में तो मरण सदा है, पर्याय की मलिनता सदा है, लेकिन एक ही समय बाद वह पर्याय अच्छी हो जाए। जैसे भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों का मतांतर वाले कहते हैं कि वे नित्य निगोद से निकल के मनुष्य बने थे, और एक मत कहता है कि नहीं, वे नित्य निगोद से निकल के द्विंद्रिय गिजई लाल कीड़े बने थे और चक्रवर्ती के हाथी के पैर के नीचे आके सब मरे, लेकिन उन्होंने अकाम निर्जरा की। और अरबपति नहीं खरबपति नहीं, 6 खंड के धनी ऐसे चक्रवर्ती के घर जन्म लिया, पुण्य बांधा उन्होंने उस द्विंद्रिय की अवस्था में, समान परिणाम किए। सही सही, वो कीड़े जनरली होते हैं ना, तो वो एक साथ रहते हैं, एक के ऊपर एक भी रहते हैं, पत्थर आदि के नीचे दबे मतलब रहते स्थान, अब कोई उस पत्थर पे ही पैर दे दे तो वो कुछ ले जाते हैं। तो वह 923 पुत्रों का वृत्तांत आता है कि इस तरह से हुए, जन्म से वैरागी रहे, जन्म से तो क्या धीरे धीरे संस्कार दिए चक्रवर्ती के, धर्म संस्कार भी मिलते हैं, कर्म संस्कार भी मिलते हैं, सिलेक्शन करना उन पुत्रों की योग्यता अनुसार होता है, उनकी योग्यताएं वैसी होगी। 8 वर्ष के उम्र के बाद में वे अधिक अधिक धर्म संस्कार को विशेष ग्रहण कर सकते हैं, और 16 वर्ष तक उन्होंने ग्रहण किए। और सम्यक दर्शन कहाँ प्राप्त किया, कब प्राप्त किया, इसका तो उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन 16वें वर्ष में समोह शरण में विराज गए सुनने के लिए, और वहाँ पर भरत को सहज प्रश्न हुआ कि यार ये बोलते ही नहीं है बच्चे 16 साल के, भाई बच्चे तो बोलने लग जाते हैं 2 साल 1 साल का 1.5 साल का, तो ये बोलते ही नहीं है, तो सहज ही वो तो मन में शंका और तुरंत दिव्य ध्वनि में आंसर, तो कि भाई क्या है इन बच्चों का, तो फटाक से आ गया कि भाई ये तो काफ़ी वैरागी हैं, इन्होंने जैन दर्शन का अध्ययन कर करके अपने ज्ञान वैराग्य को इतना ओतप्रोत बना लिया है कि अभी तुम्हारे मन में शंका हुई और ये अभी यहाँ बोलने ही वाले हैं। और बोले सो क्या बोले कि भाई हमें तो नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण करना है, और दीक्षा ले ली। तो ऐसे भी संस्कार पकने वाले जीव होते हैं, मतलब उसके पहले अनंत काल तक नित्य निगोद में ही रहे थे और वहाँ से साक्षात आए, ऐसा मतांतर मानते हैं बहुत से। और द्विंद्रिय से मानो तो द्विंद्रिय की अवस्था में संयोग वाला पुरुषार्थ तो द्विंद्रिय में हो सकता है, क्योंकि मन तो है ही नहीं, आत्मा का पुरुषार्थ तो उन्होंने उसी भव में किया, और वो भी 8 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन लिया होगा अगर लिया हो तो, या फिर 8 से 16 के बीच में कभी भी ले लिया होगा, और चारित्र को पूर्ण रूप से अंगीकार करने के लिए 16वें वर्ष में मुनि दीक्षा ले ली। हाँ फिर भी बन गया, अकाम निर्जरा बनती है, कल्पनातीत है परिणाम, इंद्रिय के परिणाम, 3 इंद्रिय के मन बिना के परिणामों को कल्पनातीत कहा जाता है। भाई हम जान ही नहीं सकते वो क्या चींटी, एक चींटी दूसरे चींटी को उठा उठा के लेके घूमते, चींटे होते हैं ना घायल हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो वो उसको कोई हॉस्पिटल में या सुरक्षित स्थान में ले जा रहे, घायल चींटे को स्वस्थ चींटा उठा करके और ले जाके सुरक्षित स्थान में ले जाते हुए पाए जाते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं कि घायल चींटे को खुद ही खाने लगते हैं, वो चींटे चींटे को ऐसे भी दिखते हैं। तो चींटियों का संसार भी बहुत लंबा चौड़ा है, हम अनुमान मात्र कर सकते हैं, बाकी वास्तव में तो उनकी योग्यता तो वो ही जाने और केवल ही जाने, और वो भी क्या जाने, उसको मन नहीं है तो वो भी नहीं जानते। वो सिंपल एक गहलता में, जैसे अपन चलते हैं ना भाई, छोटे छोटे बच्चों को बोल दिया चल अभी हाथ धोना है, ये करना है, वो खाना खाना है, बैठ जा, तो वो बस आदेशात्मक पालन करता हुआ चलता है, उसके खुद के परिणामों को उसमें विशेष गहरा नहीं कर पाता। गहरा करने के लिए तो पंचेंद्रिय पना संगी पना चाहिए, तो गहराई परिणामों में आएगी। लेकिन फिर भी उस अकाम निर्जरा के परिणाम से द्विंद्रिय चक्रवर्ती के घर जन्म ले सकता है, इससे सिद्ध होता है कि जीव के परिणामों में अचिंत्य सामर्थ्य है, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव। इसलिए अपने कभी परिणाम को हीन नहीं मानना, अपने परिणाम को सदा, एक समय का पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर सकता है, भले पूरे जीवन भर पाप में रहा हो तो भी, पूरे जीवन भर पुण्य में रहा हो तो भी एक समय का पुरुषार्थ अनंत पाप में ला सकता है, क्योंकि एक समय की पर्याय की परिणाम की गहराई विशेष है। इसलिए ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि जिसने पूर्ण जीवन भर, ये चिलाती पुत्र है अभय घोष मुनि काकंदीपुर, अभय घोष मुनि वो जो राजा थे शिकार करते थे,
और शिकार करते हुए उन्होंने कछुए के चारों पैर काट दिए, काट दिए। वो कछुआ अकाम निर्जरा करके मरा, उसने परिणामों में क्लेश नहीं लाया, मनुष्य बना और उसी राजा का पुत्र बना, और पुत्र बनने के बाद में सहज ही संस्कारगत द्वेष पिता के प्रति। और जब पिता ने मुनि दीक्षा ले लिया, अभय घोष मुनि पलट गए शिकार खेलने वाले, बोलो साहब, और पलट गए तो मुनि दीक्षा ले ली, मुनि दीक्षा ले ली तो इस वैरी चंडवेग नाम था उसका, उसने आके तलवार से इनके दोनों हाथ पैर काट दिए। जिसने जैसा कर्म बांधा था उसने वैसा कर्म भोगा। मुनिराज की अवस्था में तो तुम उसके हाथ पैर काटो चाहे कुछ भी करो, वे तो छठे सातवें की भूमिका में रहकर अपने पुरुषार्थ को खूब संभाल लेते हैं। इसलिए मुनिराज को उपसर्ग परिषद है तो कुछ भी तकलीफ देते ही नहीं है, वो तो खुशी मनाते हैं कि चलो अब श्रेणी मानने का पुरुषार्थ अधिक से अधिक कल्प समय में करना है, परिणाम को संभालते हैं, श्रेणी मानते और केवल ज्ञान ले लेते हैं। तो इस तरह अभय घोष मुनि काकंदी पुर भरी वेदना पाई, उनके लिए है ना, तो तुम्हारे जिए कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। तो ऐसे ऐसे जीवों की मिलते हैं कि भाई उन्होंने पूर्व में अनेकों बार धर्म लेने के छोड़ा, तो उस भाव में हमें दिखता है कि उनने जीवन भर धर्म नहीं किया, शिकार आदि पाप किए, लेकिन पूर्व के भी संस्कार थे और काल लब्धि भी थी, तो पुरुषार्थ इतना जगाया कि उस उपसर्ग काल में भी जिसके हाथ पैर काट दिए गए खून खून हो रहा है और फिर भी अपने स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम, अपने स्वरूप में गुप्त होकर महानंद निर्झर रस निरंतर अलोकाकाश पर्यंत उछल रहा है, इस प्रकार महान सुख का अनुभव करने वाले मुनिराज नियम से वे केवल ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इसलिए लिख रहे हैं कि सदा निकलंक महा, वह स्वभाव सदा निकलंक महा, कर्म कलंक जामे को नहीं पाइए। कह रहे हैं कि कर्म कलंक का उसमें कोई प्रवेश ही नहीं है। निराकार रूप जो अनूप उपयोग जाके, कह रहे हैं कि रूप कैसा है, आकार निराकार, कह रहे हैं कि इस ज्ञान स्वरूप यद्यपि साकारो ज्ञानम निराकारो दर्शनम, लेकिन फिर भी कर्म कालिमा नहीं होने से निराकार रूप जो अनूप उपयोग जाके, कह रहे हैं कि ऐसा उपयोग इसका अनुपम है। गेय लखे गेय आकार न्यारो हु बताइए, कह रहे हैं कि गेयाकार रूप होता हुआ भी अपना ज्ञानाकार नहीं छोड़ता, अर्थात सदा न्यारा ही न्यारा रहता है। गेय भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, ज्ञान में जो झलकता वह सब ज्ञान का ही विलास है, इसलिए वह गेय जिसमें झलकते उस ज्ञान में कलाकार तो सदा ज्ञान ही है। गेयाकार ज्ञान में भी कलाकार ज्ञान है। वीरज अनंत सदा, कह रहे अनंत वीर्य का सदा और सुख का समुद्र आप है, अंदर में आनंद स्रोत बह रहा और फिर तू दास है, अचरज की मछली को जल में ही प्यास है। आनंद स्रोत में स्वभाव को भूलने के बाद में वह जीव आनंद का दूसरों को देखा देखी पर्याय के वश होकर पर पदार्थों से सुख की मांगना करता है, परंतु वह सुख स्वभाव में ही भरा है, उसको भूलता है सो दुखी होता है। अनंत वीर का धनी, कह रहे अनंत शक्ति, शक्ति सब चाहते हैं, पर्याय में शक्ति बढ़ाने की कोई विधि नहीं होती। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार वीर्यांतराय कर्म का श्रेयोपशम जिसने जितना रखा है उतना उसकी पर्याय में ताकत मिलती है और उस ताकत के अनुसार यह पाप पुण्य करने में समर्थ होता है, अपने शुद्धात्मा का आश्रय करने में भी वह समर्थ होता है, लेकिन अनंत वीर्य प्रकट करने के लिए स्वभाव का आश्रय ही काम करता है और फिर कभी यह थकता नहीं है। इसकी पर्याय सिद्ध भगवान अपने स्वभाव का आनंद रस लेते लेते कब थक जाएंगे, कब थक जाएंगे, कभी नहीं थकेंगे। अनंत काल तीन लोक तीन काल को जानेंगे और किंचित नहीं थकेंगे। हम यहाँ पर दो चार घंटे कुछ गोष्ठी में बैठ जाएं, प्रवचन सुन ले तो थकान हो जाती है, दिन भर कोई भाग दौड़ कर ले, काम कर ले, आँखों से देखता रहे तो आंखें थक जाती है,
लेकिन अनंत वीर के धनी सर्वांग संपूर्ण आत्म प्रदोष से तीन लोक को अनंत काल तक देखने वाले सिद्ध भगवान कभी थकान को प्राप्त नहीं होते। ऐसा स्वरूप रचना रूपी अनंत वीर उनका शक्ति को प्रकट सदा करते रहता है। परम अनंत तामे और गुण गाइए, कह रहे हैं कि ये सब गुण अनंतता में प्राप्त हो रहे हैं, अनंतता को प्राप्त हो रहे हैं। दर्शन, सुख, वीर्य, स्वच्छत्व, प्रकाशत्व, सब गुण अनंतता को प्राप्त हो रहे हैं। कोई भी जीव, कोई भी गुण कि भाई कुछ काल में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। परम अनंतता में और गुण गाइए, ऐसो भगवान ज्ञानवान लखे घट ही में, कह रहे हैं कि ऐसा भगवान कहाँ है लोकाकाश में अग्र भाग में, कह रहे वे तो सिद्ध भगवान है ही, और तू स्वयं वह भगवान है, मैं स्वयं वह भगवान हूँ, स्वभाव से सदा विद्यमान हूँ। ऐसो भगवान ज्ञानवान लखे घट ही में, अपने चैतन्य घट में, इसमें देह देवल रूपी घट में ही, जिन देह देवल में रहे जन मंदिरों में खोजते, हसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। भाई जिनदेव तो अपने इस देह देवल में ही विराज रहे, हम जिनदेव हैं, स्वयं आत्मा स्वयं जिन देव है, इंद्रियों को जीतने वाला, अनंत सुखी होने वाला, वह इस देह देवल में ही रहता है। लेकिन जब तक इसकी खबर नहीं है तो जन मंदिरों में खोजते हैं, भगवान को खोजते हैं। गिरनार काशी शिकाओ क्यों जाता, गिरनार क्यों जाता काशी, घट घट में ही है तेरे, घट घट का वासी अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझे ही में डोले। वीरा प्रभु के ये बोल, तेरा प्रभु तुझे ही में डोले। इस तरह से अपना चैतन्य भगवान इस देह देवल में, इस देह को मंदिर कहते हैं, जिसे सम्यक दर्शन हो गया है, जिसे अपने चैतन्य का खबर पड़ गई है, वह बाहर से भले कुष्ठ रोगी हो, सनत कुमार मुनिराज या वादिराज मुनिराज आदि, परंतु अंदर में चैतन्य के प्रकाश से सुशोभित होने से वह कुष्ठ रूपी देह भी उनकी देवलपने अर्थात मंदिरपने को प्राप्त हो जाती है। उस देह के इतनी रिद्धियां रहती हैं कि उनके उस वायु के लगने मात्र से हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। सर्वौषधि रुद्धि धारक, मल्ल औषधि, विड़ौषधि, अनेक अनेक प्रकार की, तो वह समग्र रुद्धियों के कारण उनकी हवा लगी और हमारी बीमारी दूर हो गई। हमारा पुण्य ऐसा रहेगा तभी हमें उन मुनिराजों का समागम मिलता है। तो इसलिए लिखते हैं कि ऐसो भगवान ज्ञानवान लखे घट ही में, ऐसो भाव भाए दीप अमर कहाइए, ऐसे भाव को भा करके हे दीप तू अमर हो जा, अब संसार में मरने का काम नहीं है। इसलिए ज्ञानी जीव ऐसे अपने आत्मद्रव्य को देखता हुआ अमरत्व को प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने स्वभाव की महिमा सूचक अमरत्व की प्राप्ति कराने वाला यह छंद लिखा। अब बता रहे हैं कि वह अमर पद कैसे ग्रहण करना है, तो उसको थोड़ा सा व्यवहार नय का भी ग्रहण कब कैसे करना होता है उसकी बात बता रहे हैं। व्यवहार नय के धरैया व्यवहार नय, प्रथम अवस्था जामे करालंब कयो है, चिदानंद देखे व्यवहार झूठ भास तू है, आत्मिके अनुभव सुभाव जी लयो है, देव चिद रूप की अनूप अवलोकनी में, को विकलाप भाव भेद नहीं रयो है, चेतन सुभाव सुधारस पान होई जहाँ, अजर अमर पद तहाँ लह लयो है। कह रहे कि जहाँ चैतन्य का स्वभाव का सुधारसपान होता है, वहाँ पे अजर अमर पद लहलहाता है, प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि की ज्योत लहलहाती है, तेज हवा लगी हो और उधर से घी की सप्लाई अच्छी हो, तो वह
दिया की ज्योत वह इस तरह से लहलहाती है कि मानो संपूर्ण रूप से वह फैल करके सबको भस्म कर देगी। उसी प्रकार से अपने अजर अम चैतन्य स्वभाव को जिसने ग्रहण कर लिया और सुधारस अर्थात अमृत रस का सप्लाई जिसको मिल रहा है पर्याय में, वह अनंत काल के लिए अजर अमर पद को प्राप्त हो जाता है, लहलहाता है। वह बात यहाँ बता रहे। व्यवहार ने का पक्षपाती मानता है कि व्यवहार ने प्रथम अवस्था में साधक अवस्था में हस्तावलंब के रूप में कहा जाता है। समय सार वगैरह में दिया ना, प्रथम भूमिका में व्यवहार ने हस्तावलंबन तुल्य है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति नीचे गिरा हुआ हो, पर्वत से नीचे हो, और कोई व्यक्ति पर्वत पे हो, वह पर्वत वाला व्यक्ति उसे हाथ दे करके ऊपर चढ़ा ले तो कितनी बड़ी मदद की उसने, बहुत बड़ी मदद की। इसी प्रकार से व्यवहार ने प्रारंभिक भूमिका में हाथ बढ़ा करके हमें अपने स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए शब्द आदि के माध्यम से, सहचर्य कारण आदि के माध्यम से ज्ञान कराता है। इसलिए व्यवहार नय को भी उचित स्थान है। फिर क्या बताते हैं, प्रथम अवस्था में हस्तावलंब के रूप में कहा जाता है, परंतु अपने चिदानंद स्वरूप को देखने पर वही झूठा साबित होता है जब स्वभाव रूप अपने आत्मा का अनुभव होता है। भाई वह व्यवहार नय से इशारा हो सकता है, लेकिन वस्तु का शाश्वत साक्षात अनुभवन तो निश्चय द्वारा ही होगा। शुद्ध शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग कह रहे हैं कि शब्द ब्रह्म द्वारा वह परम ब्रह्म का ज्ञान कराया जाता है, लेकिन शब्द ब्रह्म ही सब कुछ हो गए सो बात नहीं है, परम ब्रह्म ही सब कुछ है। इसलिए उस व्यवहार ने पे लिखते हैं कि चिदानंद स्वरूप देखने पर वह झूठा साबित होता है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक नए निक्षेप प्रमाण की जरूरत होती है, लेकिन जब अनुभव करना है तो जो निर्णय किया उसका साक्षात वेदन करना होता है। इसलिए वो दिया ना, जैसे रवि मंडल के उदय मही मंडल में आत पे अटल तम पटल बिलातु है, तैसे परमात्मा को अनुभव रहत जो लो तो लो को दुविधा न को पक्ष पातु है, नए को न लेश परवान को न परवेश निक्षेप के वंश को विध्वंस होत जातु है, जे जे वस्तु साधक है तेउ ताहा बाधक है, बाकी राग दोष की दशा की कौन बातु है। कह रहे हैं कि जो नए निक्षेप प्रमाण से आत्मा का निर्णय कर रहे थे वे सहायक हो रहे थे, अनुभूति के काल में उनका विकल्प करोगे तो बाधक हो जाएंगे, इसलिए उनका कोई अवलंबन नहीं है, शुद्धात्मा का ही अवलंबन है। उदाहरण दिया कि जिस प्रकार अंधेरा हो गया, सुबह जब पहली रोशनी की किरण आएगी इस नभमंडल में, आतप अटल तम पटल बिला, तो अभी तम का पटल चल रहा है, अंधेरे के पटल बने, अब उसको जैसे ही वह महीमंडल में सूर्य का उदय होगा, रवि के उदय होते ही वह आतप अटल, वह सूर्य का पटल, उजेले का पटल तो व्याप्त हो जाएगा और अंधेरे का पटल नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार व्यवहार ने से जो समझा था उस सब विकल्पों का नाश हो जाएगा और साक्षात वस्तु का ग्रहण हो जाएगा। इस प्रकार वह परम शुद्ध निश्चय नय का विषय या शुद्ध नय का विषय वह उपादेय होकर के विकल्पातीत अवस्था होगी, व्यवहार के आलंबन छूट जाते हैं। चिदानंद देखे व्यवहार झूठ भासतु है। फिर क्या बता रहे, अपना भगवान स्वरूप आत्मा ज्ञान का गेय व ध्यान का देय रूप अनुभव में आता है, उस समय कोई विकल्प और भेद भासित नहीं होता। जहां अपने चैतन्य स्वभाव रूप अमृत का पान होता है वही अजर अमर अविनाशी पद सुशोभित होता है। कह रहे हैं कि जहां स्वरूप में निवास हुआ, स्वरूप मंथर अपने स्वरूप में एकाग्रता हुई,
उसमें स्वरूप में सो गया है अर्थात पर से हट गया है, तो वहीं पर इसको अजर अमर पद की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि आत्म का स्वभाव कभी नाश नहीं होता। स्वभाव दृष्टि सो निश्चय दृष्टि, निश्चय दृष्टि सो ही अनंत काल रहने वाली दृष्टि अमर दृष्टि है। इस तरह से यहाँ पे सामान्य अर्थ अपन ने समझ लिया है, विशेष और चर्चा आगे आएगी।